दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट सॉर्ट के बारे में, ठीक है, यानी कि शॉर्ट मोल्डिंग के। देखिए दोस्तों, होता क्या है, कैविटी आर नॉट फिल कम्प्लीटली। जब कैविटी आपकी पूर्ण कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि फिल नहीं होगी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा शॉर्ट मोल्डिंग, ठीक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से, क्या क्या चेक पॉइंट है जो हम चेक करके कंपोनेंट को सही कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। दोस्तों, जो मैं बोलूँगा कि इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाओ, इंजेक्शन स्पीड बढ़ाओ, ये सिर्फ एक सोच को क्रिएट करेगा, ना कि इस चीज़ को करने से आप एकदम से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाओगे, ठीक है। कुछ टीवी जो चैनल है यूट्यूब पे, वो बोलते हैं कि इंजेक्शन स्पीड बढ़ा दो, इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा दो, ये बैरल टेम्परेचर बढ़ा दो, उसके दोस्तों आपको फील्ड जो आपको गंभीर परिणाम उसके भुगतने पड़ सकते हैं, ठीक है। आप मोल्ड डैमेज कर लेंगे, ठीक है, अगर वगैरह स्लाइडर तोड़ लेंगे, तो उस चैनल से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो इस तरीके से वीडियो ना डाले, थोड़ा सोच समझ के ही वीडियो आप डालें, ठीक है। वो किसी की जॉब के साथ अच्छा नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में क्या है, सीखने के चक्कर में जो है कुछ गलत कर बैठे, तो उससे बेहतर है कि आप वीडियो को जो ध्यान से देखें, ठीक है, सही वीडियो देखें, और जो मैं आज बताऊंगा सिर्फ ये एक सोच को क्रिएट करेगा, एक माइंड में एक ऑप्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं कहूँगा तो आप जो है वैसे ही करने लगें, और जो है जैसे मैंने इसमें लिखा, शॉर्ट मोल्डिंग में इंजेक्शन प्रेशर को इंक्रीज करें, पता लगा आपने जो है इंजेक्शन प्रेशर जस्ट डबल कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओवर फ्लैश हो जाएंगे, ठीक है, बैरल टेम्परेचर कर दिया, बढ़ा दिया, या जो है इंजेक्शन स्पीड बढ़ा दिया, आपका जो है कंपोनेंट कैचिंग हो गया, आप इजेक्टर तोड़ बैठे हैं, तो उस कंडीशन को सिर्फ समझें कि ये इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, शॉर्ट मोल्डिंग किस तरीके से सोल्व की जा सकती है। नंबर एक, आपको अपना इंजेक्शन प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप बैरल का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको कंपोनेंट पे ही देखना पड़ेगा कि कंपोनेंट को क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। डॉक्टर काफ़ी होते हैं, सभी के पास वही मेडिसिन होती है, लेकिन आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे अच्छा बोलते हैं जो आपको कम मेडिसिन दे, ठीक है, और जहाँ पे आप जल्दी ठीक हो जाएं, वही अच्छा डॉक्टर होता है। चीज़ें सबके पास यही हैं, लेकिन आप सही समय पे सही सेटिंग करेंगे तभी आपका कंपोनेंट सही आएगा, यदि आप कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ही उसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है। हर कंपोनेंट की सेटिंग अलग अलग होगी, ठीक है। तो आप इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा सकते हैं, बैरल का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, जो होल्डिंग टाइम और प्रेशर है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, यदि आपकी शॉर्ट मोल्डिंग है, आप नोजल का भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो आपको मटेरियल की लीकेज भी चेक करना चाहिए, यदि आपका शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा है तो कहीं पीछे तो मटेरियल नोजल के और स्क्रूब उसकी मैचिंग से तो लीकेज नहीं हो रहा है, वो भी आपको देखना होगा। आपको जो है इंजेक्शन स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये बैक प्रेशर भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आप मोल्ड का टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मोल्ड का टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो उससे भी फिलिंग अच्छे से होने लगेगी। एयर वेंट पे भी आपको क्लीन ध्यान देना होगा कि वो बराबर साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा जो मटेरियल है वो बराबर फीड हो रहा है या नहीं, फिलिंग भी बराबर, मतलब चार्जिंग भी मशीन बराबर ले रही है या नहीं, उस चीज़ को भी चेक करना होगा। स्क्रू बुश को भी आपको चेक करना चाहिए, जो मटेरियल नोजल है उसे भी आपको चेक करना चाहिए। इंक्रीज आप जो है नोजल का डाया भी बढ़ा सकते हैं, वाइड स्क्रू बुश भी यूज़ कर सकते हैं, वाइड नोजल मतलब चौड़ा नोजल भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से एज पर कंडीशन है सारी चीज़ें। फिर जो इंक्रीज कर सकते हैं स्क्रू स्पीड, स्क्रू स्पीड से कैसे, ये देखिए अच्छा पॉइंट है, ठीक है। जब यदि आप स्क्रू स्पीड
ज़्यादा करेंगे तो मटेरियल जल्दी से चार्ज हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैरल का जो मटेरियल का जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसकी फ्लूडिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आपको स्विच ओवर पोजीशन ये आपको डिक्रीज करनी होगी, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके मोल्ड के अंदर एयर रुक जा रही है तो उस कंडीशन में आपको इंजेक्शन स्पीड कम करनी होगी, तब आप जो है शॉर्ट मोल्डिंग को फिल कर पाएंगे, ठीक है। इंक्रीज इंजेक्शन टाइम, यदि इंजेक्शन टाइम कम पड़ रहा हो तब आपको इंक्रीज करेंगे। ठीक उसी के साथ साथ आपको नोजल का जो फिजिकली जो कॉन्टैक्ट है स्प्रू उसके साथ में वो चेक करेंगे कि वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। तब आप देखिए शॉर्ट मोल्डिंग आने पे आप 22 से भी ज़्यादा चेक पॉइंट है जिन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जैसे मैंने बढ़ाने पे लिखा है ये ऐसे नहीं बढ़ाना है, आपका जो कंपोनेंट को जो चाहिए वही आपको उस चीज़ को मतलब वही तो आपको बढ़ानी है, ठीक है दोस्तों।